बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो मानव, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन आने का आश्वासन देकर चला जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होने वाले बसंत ऋतु को भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें मुख्य रूप से बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, वासी शौरी जयंती, रति काम महोत्सव, बसंत उत्सव आदि है। दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी KS चौहान ने बसंत पंचमी की बधाई देते हुए इस त्योहार के महत्व के बारे में कुछ इस प्रकार से जानकारी दी है। अगर तगर गोरोचन केसर, अष्ट गंधधर ध्यान करे, सिंदूर चंदन मस्तक तिलक, फल पुष्प पत्र प्रदान करे, गंध धूप दीप से पूजन हो माँ वीणा वादिनी देवी का, हृदय करतल और शंखनाद हम मुक्त कंठ से गान करें। ज्ञान की देवी सरस्वती से हम तीन स सीखते हैं। पहला सीखना, सीखना मतलब शिक्षा ग्रहण करना। दूसरा सृजनता लाना, सृजनता मतलब जो हमने सीखा है उसमें वो होता है इंफॉर्मेशन, और उसमें और चीजें हम ऐड करके उसको हम इमेजिनेशन में बदलते हैं, उसको हम ऑब्जर्वेशन में बदलते हैं और उस चीज को अपडेट करते हैं। अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपनी कुछ भी चीजों को अपडेट करते हैं तो वो हमारे को आगे समृद्धि तक पहुंचाती है, और समृद्धि शिक्षा और सृजनता की रिजल्ट रहता है। इसी से हमें सभी चीजें शुभ होती हैं। इसीलिए आज के दिन, बसंत पंचमी वाले दिन, सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।